का बेक एंड कुक स्टूडियो। आज के एपिसोड में हम लर्न करने जा रहे हैं कि फोंडेंट को कलर कैसे करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने लर्न करा था कि फोंडेंट को किस तरह से बनाया जाता है, तो आज हम देखेंगे कि फोंडेंट को अलग अलग कलर में कैसे मिक्स करते हैं और कैसे कलरफुल फोंडेंट बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फोंडेंट को कलर करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं और कंपनीज भी बहुत सारी हैं। आप अमेज़ॉन से उसको ऑर्डर कर सकते हो या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो फोंडेंट बना हुआ है वाइट कलर का, उसको डिवाइड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू द कलर्स यू आर गोइंग टू अप्लाई टू द केक। उसके बाद जो हमने कलर यूज़ करना है, उस कलर का ड्रॉप आपने फोंडेंट में डालना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, जिससे उसका शेड चेंज हो जाएगा। अगर आपको लगता है थोड़ा सा डार्क चाहिए तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, पर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि जेल कलर्स है, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और बहुत अलग अलग शेड्स दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर शेड विच यू आर गोइंग टू अप्लाई टू द केक, यू मस्ट ऐड इन टू द फोंडेंट। इस तरह से फर्स्ट हमने रेड करा था, अभी हम ब्लैक करिए। फोंडेंट से बने हुए केक को ऑर्नामेंटल केक्स कहते हैं, और इस तरह के केक आप कोई इमेजिनेशन को आप रियल कर सकते हो, राइट? आप डायनासोर बनाना चाहते हो, बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए कुछ थीम, जंगल थीम करना चाहते हो, या टेडी बेयर थीम करना चाहते हो, बारबी बनाना चाहते हो, उसी तरह की कोई भी इमेजिनेशन को आप रियल बना सकते हो। तो इस तरह से कलर देके आप पैटर्न्स बना सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो, रिबन्स बना सकते हो, डॉट्स, स्टार्स, एनीथिंग। लाइक ये जो आप बच्चों का क्ले होता है, इस तरह से वर्क करता है, और आप उसको कोई भी डिज़ाइन या कोई भी पैटर्न में कट कर सकते हो। उसके कटर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी जो अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, उसकी पिक्चर भी मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं और उससे आप अच्छी तरह से अलग अलग शेप्स के डिज़ाइन बना सकते हैं और अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ड्राई केक को हम कवर करेंगे फोंडेंट से, और उसके ऊपर किस तरह से हम अपनी थीम बना सकते हैं। फोंडेंट तो बन गया। फोंडेंट को बनाने के बाद हम लर्न करेंगे उसको स्टोर कैसे करते हैं। तो स्टोर करने के लिए सिमिलरली हमने जो वाइट फोंडेंट को कवर अप किया था क्लीन फॉइल से, कलर फोंडेंट को भी क्लीन फॉइल से कवर करना है, और उसके बाद उसको हमें टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर देना है। जनरली ये एक महीने से दो महीने तक आप स्टोर कर सकते हो, और फिर आप कभी भी यूज़ करते हो। जब भी आपको यूज़ करना हो, थोड़ा सा बाहर निकालिए, यूज़ करिए, और वापस से क्लीन रैप करके आप अंदर रख दीजिए। कलर्ड फोंडेंट को कवर अप करने के बाद हम इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करेंगे। एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने से वो एयर से एक्सपोज नहीं होगा, और काफ़ी दिनों तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं, वो ड्राई नहीं होगा, जिससे हम उसको किसी तरह से भी मोल्ड कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। दिस इज शेफ वर्षा एंड यू आर वॉचिंग वर्षा बेक एंड कुक स्टूडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।